वीडियो में हम बात करेंगे एक नए क्वेश्चन की, जिसमें हम बात कर रहे हैं एक एयरलाइंस का। कह रहा है, व्हेन द फेयर ऑफ अ सर्टेन जर्नी बाय एयरलाइन वाज इंक्रीज्ड, क्या हो गया बच्चों, एयरलाइन का किराया बढ़ गया, कितना बढ़ गया, रेशियो 5:7, द कॉस्ट इफ द टिकट फॉर जर्नी इंक्रीज बाय रुपी 406। जो रेशियो बढ़ा वो मनी में कितना बढ़ गया, 406 हो गया। तो फाइंड द ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ द टिकट, तो टिकट का ओरिजिनल कॉस्ट क्या होगा। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ज़रा से यहाँ देखो, यहाँ पे क्या हो रहा है, इंक्रीज इन रेशियो, इंक्रीज इन रेशियो, बच्चों रेशियो में कितना इंक्रीमेंट हुआ, यहाँ पे रेशियो 5:7 है, मतलब 5 से कितना हो गया 7, तो 7-5 कितना इंक्रीमेंट हुआ, 2 यूनिट का इंक्रीमेंट हुआ। कितना इंक्रीज हुआ बच्चों, 2 यूनिट। अब देखना, ये जो 2 यूनिट इंक्रीज हुआ ना, वो इंक्रीज है मनी में कितना, 406। तो यहाँ से कह सकते हैं, सो इंक्रीज्ड इंक्रीज इन रेशियो रेशियो इज इक्वल टू इंक्रीज्ड इन मनी, या इंक्रीज इन रुपी, मनी लिख लो आप, ठीक है। तो कितना इंक्रीज हुआ रेशियो में, तो सर 2 यूनिट इंक्रीज हुआ है, तो 2 यूनिट कितना इंक्रीज हुआ इसमें, सर 406 इंक्रीज हुआ है, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी बच्चों, ये हो जाएगी 406 बाई 2। 2 से क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे, तो काटिए इसको, 2 टू ज़ा 4, 0 आएगा, 2 थ्री ज़ा 6, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों, 1 यूनिट इज इक्वल टू 203 आ गया। अब देखो ओरिजिनल प्राइस कितना था, ओरिजिनल तो इसका जो फेयर था वो 5 था, तो हम निकालेंगे 5 यूनिट की वैल्यू, तो 5 यूनिट इज इक्वल टू, या फिर यहाँ लिखेंगे ओरिजिनल ओरिजिनल कॉस्ट 5 यूनिट, तो कितना हो जाएगा 203 इंटू 5। बस क्या करना है बच्चों, इसमें आप मल्टीप्लाई कर दो, तो 5 3 15 का 5 कैरी 1, 5 0 0, तो 1 आ गया, और 5 2 10, तो कितना इसका आंसर आ जाएगा, 1015 रुपीज़ का ओरिजिनल फेयर होगा, ठीक है बच्चों। तो आई थिंक वीडियो आपको समझ में आई होगी, तो चलिए फिर नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे। और जाने से पहले एक बात और बच्चों, अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर तो बनता है यार, ठीक है। चलो फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, हैव अ नाइस बच्चों।